हाय एवरीवन, आज हम ये समझने वाले हैं कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सा मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा है किस फ्रेमवर्क की। अभी आप देख सकते हैं मैं दुबई में हूँ और अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है, बट देन ऑल्सो लेट्स स्टार्ट एंड आपको थोड़ा वीडियो को बोरिंग ना लगे, आपको व्यू भी दिखता रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आज ये वीडियो को बना रहा हूँ। सिंपल सा ये है, हमारे पास में जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स है वो तीन है। एंगुलर हो गया आपका, एंगुलर JS, Vue.js एंड React.js। एंगुलर आपका एक अच्छे खासे बड़ी कंपनी लाइक गूगल के थ्रू सपोर्टेड रहेगा एंड आपका React फेसबुक से सपोर्टेड रहेगा। Vue.js जो है वो एक अलग से एक डेवलपर ने बना रखा है, एक बंदे ने, बट आपके जो एंगुलर और React.js है वे ऑलरेडी बड़ी कंपनी से है। लाइक अगर मैं बात करूँ दुबई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यहाँ पे React एंड एंगुलर दोनों के लिए काफ़ी काम मिल जाता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो उसमें एंगुलर और रिएक्ट दोनों का ही काफ़ी है, पर US वगैरह में आपका एंगुलर के प्रोजेक्ट्स काफ़ी रहते हैं। अब बात करें कि एंगुलर और रिएक्ट में से आपको कौन सा ज़्यादा करना चाहिए। Vue.js का है प्रोजेक्ट्स, बट Vue.js कंपैरेटिवली एंगुलर और रिएक्ट के बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, वो रहेगा एंगुलर, बिकॉज एंगुलर में आप मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स दोनों का कोडिंग आराम से कर सकते हैं, बट React.js में आपका मेनली कंपोनेंट्स पे फोकस होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, ऐसा समझिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट साइज़ बहुत ओवर 200 मॉड्यूल्स, ओवर 300 मॉड्यूल्स है और वो एक कमर्शियल ऐप है जिसका आपको काफ़ी सारा उसमें मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन होने वाला है, आपको एक फ़ीचर रिच लाइब्रेरी चाहिए जिसके अंदर आपका राउटिंग है, HTTP रिक्वेस्ट वगैरह है, इंटरसेप्टर है, सिक्योरिटी का है, आपको REST APIs बनाने हैं। आपका REST APIs किसी में भी हो सकता है, दो पाइथन में फ्लास्क और जेंगो, PHP और जावा और स्प्रिंग बूट, एनीथिंग कैन बी देयर। बट अगर आपको उसमें आपका काफ़ी कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत सारा मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स का नीड है, आपको उसमें राउटिंग बहुत ज़्यादा है, आपके उसमें HTTP रिक्वेस्ट बहुत यूज़ हो रहे हैं, आपके उसमें आपको हर एक राउट को अपने प्रोटेक्ट करना है यूजिंग गार्ड्स, तो इस सभी टाइप के फीचर्स के लिए आपको जाना चाहिए एंगुलर के साथ में। बट अगर आपका एक स्मॉल वेबसाइट है, एक स्मॉल एप्लीकेशन है जिसमें आपका डेली नॉर्मल मिनिमलिस्टिक काम होता है, सिर्फ वो व्यू के काम आ रहा है, मतलब उसमें कोई हैवी फॉर्म्स वगैरह डेटा नहीं जा रहा है, ऑल्सो वो आपके किसी प्रोडक्ट का वेबसाइट है या फिर आपका वो मोबाइल ऐप है और उसमें सिर्फ आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के एक बड़ी कंपनी को ना चला के नॉर्मल उसका प्रेजेंटेशन मोड में आपको उसको बिजनेस को दिखाना है, तो आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्ट में आपको जैसे आपका आउट ऑफ द बॉक्स कोड मिलता है उसके अंदर आपको मोस्टली सारी चीज़ें जो है बनी बनाई नहीं मिलती, आपको बहुत सारे पैकेजेस Node.js से इंस्टॉल करने पड़ते हैं तब जाके आपका HTTP रिक्वेस्ट या राउटिंग भी काम करता है रिएक्ट में। बट एंगुलर में आप आउट ऑफ द बॉक्स HTTP रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, राउटिंग यूज़ कर सकते हैं, गार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, सारी सिक्योरिटी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स बना सकते हैं नॉर्मल उसके सिमेंटिक कमांड से। बट Vue.js जो है आपका, उसके अंदर भी आपको सेपरेट सारे मॉड्यूल चाहिए होते हैं। हाँ, उसके पास में खुद का राउटिंग फाइल है, बट देन टू आपको सेपरेट मॉड्यूल्स उसमें यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ, अगर आपके पास में सारा अपना एप्लीकेशन, जितना भी आपका एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको मोबाइल ऐप्स भी बनाने हैं, एंगुलर के थ्रू आप बना सकते हैं, आपके पास में आयोनिक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप iOS और एप्पल के भी वो सारा कुछ बना सकते हैं। बट अगर आपको ये सेम काम रिएक्ट से करना है तो आप रिएक्ट के साथ भी आयोनिक यूज़ कर सकते हैं, Vue.js के साथ भी आयोनिक का प्लेटफॉर्म है, बट आयोनिक स्टार्टिंग में वो एंगुलर के लिए बना था तो उसमें बेटर सपोर्ट हमेशा आपको, कम्युनिटी भी लार्जर एंगुलर के साथ ही मिलेगी आयोनिक की। मैं पर्सनली ओवर 3 साल से ऊपर मैं एंगुलर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया था 8th वर्जन से और अब 13 है, और ट्रस्ट मी गाइस, एंगुलर बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर उसको सीखने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बिकॉज उसमें फ़ीचर रिच लाइब्रेरी है, काफ़ी टाइम लगता है। मेरे पास में खुद मेरे चैनल पे आपको सीरीज़ मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ वो जाके सीरीज़ देखना अगर आपको चाहिए एंगुलर सीखने के लिए। रिएक्ट भी आप सीख सकते हैं, मैं दोनों चीज़ें यूज़ करता रहता हूँ अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बट मेनली अगर आप फोकस कर रहे हैं कि आपको अच्छा जॉब चाहिए और आपको इंडिया से बाहर कहीं पे भी या फिर इंडिया में ही अच्छे सिटीज़ में लाइक बॉम्बे, बेंगलोर,
चेन्नई, यहाँ पे आपको अगर काम करना है तो आप मेरे उससे रिएक्ट एंड एंगुलर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक और चीज़ है, आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू वर्क इन एंगुलर, आपको एंगुलर में काम करना है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है। और बाहर की इंडस्ट्रीज अब जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स देयर डेटा टू बी सेफ एंड जिसका एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप फिलहाल गेट स्टार्टेड के लिए, अपने करियर के लिए रिएक्ट को से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका सीरीज़ दे दूँगा, मैंने खुद बना रखा है वो पूरा, और एक्सपीरियंस्ड कोड रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ गलत सिखाया जाएगा। मैंने खुद 100+ इंटरव्यूज़ क्रैक कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में, इन सभी टेक्नोलॉजीज में, तो आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप मेरी तरह भी इस तरीके की अलग अलग सिटीज़ में जाके काम कर सकते हो। मेनली आपको यहाँ पे एंगुलर, आयोनिक, रिएक्ट सब मिलेगा, Vue.js का भी आएगा, बट Vue.js मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए उसका अभी तक नहीं आया है कुछ भी। तो ये था क्विक कंपैरिजन, आप किस तरीके से एंगुलर, रिएक्ट और Vue.js को 2022 में प्रेफर कर सकते हैं और कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा कंपनीज में यूज़ हो रही है। सो वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में सभी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग और क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहूँ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।